हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे, क्विक 857 DW है जिसमें कॉइल का प्रॉब्लम है और चालू करने पर एरर आ रहा है। तो मैंने कोशिश की कि इसको नॉर्मल जो कॉइल है वो लगाने की, उससे भी ये चालू नहीं हुआ। तो इसका जो क्विक 857 DW है, देख सकते हैं पहले से मैंने इसका कॉइल निकाल के रखा है और ये इसका जो पूरा हैंडल आता है मैंने मंगवाया है, देख सकते हैं। तो पूरा आप हैंडल भी इसका चेंज कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं इसके अलग अलग पिंस हैं। तो कलर के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हैंडल इसका ओके है, कल इसका कॉइल ख़राब है तो मैं इसका कॉइल चेंज करूँगा। अलग से कॉइल भी आता है, लेकिन इसका जो कॉइल के अंदर का एक नोजल के ऊपर कांच का टुकड़ा होता है वो टूट चुका है, इसलिए मैंने पूरा हैंडल मंगवाया है। तो देख सकते हैं इसका जो हैंडल है, हम ये नया हैंडल इसमें रिमूव करेंगे और इसमें लगवाएंगे। तो कैसा कैसा करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखने वाले। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इससे मैंने पूरा ओपन किया है तो देख सकते हैं ये पुराने वाले हैंडल का जो कांच होता है इसके अंदर टूट चुका है, इसलिए मैंने पूरा हैंडल मंगवाया है। तो इसका अलग से कॉइल भी मिलता है दोस्तों, तो आप कॉइल भी चेंज कर सकते हैं इसका। तो इसमें कॉइल को टोटल 3 वायर्स आते हैं, वो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं मैंने तीनों वायर्स निकाल लिया है और यहाँ पे एक पैकिंग आती है, वो भी निकालना पड़ेगा आपको कटर से। तो देख सकते हैं मैंने कटर से कट कर दिया है। तो इसे निकालेंगे और इसकी जो कॉइल होती है वो कॉइल भी निकालेंगे। तो मैंने इसे अपना सादा जो क्विक का कॉइल आता है वो लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें सपोर्ट नहीं हो रही थी, तो इसे 85 DW की सपोर्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं ऐसे अलग से कॉइल भी आपको मिलेगी। अगर किसी भाई को चाहिए तो मैं ऑर्डर करके दे सकता हूँ। इसका ओरिजिनल वाला कॉइल या ओरिजिनल वाला हैंडल चाहिए तो आपको मिल सकता है मेरे से। तो देख सकते हैं इसका जो बिटाने का जो प्रोसेस है बहुत ही इजीली है, इसे जस्ट सॉकेट में प्रेस करके बिटाना होता है और जो इसके 3 वायर होते हैं तो 3 वायर इसको लगाना होता है। देख सकते हैं बहुत ही इजीली इसकी फिटिंग है। अगर आप पाइप भी चेंज करोगे तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉपरली इसकी फिटिंग आ जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिनल मिलता है पाइप आपको। देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा वाला स्क्रू आता है, वो बिटाना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो आपका जो पाइप का जो नोजल है वो निकल जाएगा और इसकी जो प्रॉपर जो फिटिंग आती है वो फिटिंग नहीं आएगी। तो देख सकते हैं मैंने वो छोटा सा स्क्रू लगा लिया है। तो अब ये तीनों वायर हम इसे फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं ब्लैक कलर का जो ग्राउंडिंग का होता है वो भी लगाएंगे और यहाँ पे और 2 वायर से वो भी हम कलर के हिसाब से उसको मैच करके बटाएंगे। तो देख सकते हैं प्रॉपर इसकी जो फिटिंग हो गई है। तो अभी हम इसे पैक करके एक बार चेक करेंगे कि इसका जो एरर आ रहा था या हमारा जो मशीन हीटिंग नहीं हो रहा था वो प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं।
तो देख सकते हैं इसकी जो फिटिंग है बहुत ही ईजीली है। तो इसे हम एक बार चालू करके चेक करेंगे कि ये हमारा जो एरर आ रहा था वो हट चुका है नहीं, और हमारा जो SMD है वो वर्क हो रहा है नहीं। देख सकते हैं दोस्तों पहले यहाँ पे एरर आ रहा था, लेकिन अभी प्रॉपर हमारा जो SMD है वर्क होने लगा है। देख सकते हैं जो हीटिंग की, तो देख सकते हैं इसका टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होने लगा है। तो हम इसे कम्प्लीटली फिटिंग करके हम इसका सेंसर भी जो है वर्क हो रहा है या नहीं वो भी चेक करेंगे। हम इसे पूरा फिटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं कम्प्लीटली हमारा जो SMD है पैक हो चुका है, और हम इसे चेक करेंगे कि इसकी जो सेंसर होता है वो भी वर्क हो रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं ये उठाने के बाद ऑन हो चुका है। तो आपको एक कंपोनेंट निकाल के मैं इस पर दिखा देता हूँ, जो स्क्रैप बोर्ड है। तो देख सकते हैं तो हम इसके ऊपर का एक कंपोनेंट आपको निकाल के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स जो कॉइल है वो निकल चुकी है, और इसकी जो पावर IC हम निकाल के आपको बताएंगे। जो मार्केट में रेगुलर वाले SMD आते हैं उसके अगर कॉइल चेंज किया या पाइप चेंज किया तो उसकी क्वालिटी नहीं रहेगी। तो इसकी जो क्विक की जो मशीन है इसका ओरिजिनल स्पेयर पार्ट आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं इस बोर्ड की हमने IC निकाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही जल्द नए नए वीडियो आएंगे। थैंक यू।